अरे उसकी हालत उसके चेहरे से नजर आ रही है। रात भर दरवाजे से लगा खड़ा रहा, बार बार बारिश में जाके तुझे देख रहा था। मैं चीखती रही कि बीमार हो जाएगा, मगर मेरी कहां सुनता है। बीमार तो ये पहले भी है, कितनी खांसी है इसको। देख आसू, सुतून है दीन मोहम्मद, ये ढह गया ना तो हमारत बैठ जाएगी। कौन है कासू? तो आ गया। इतना बुखार, चाचा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चल चलो डॉक्टर के पास चल। रहने दे बेटा, खा तो रहा हूँ दवा, ठीक हो जाऊंगा। बेटा बेटा मैं भी चलूंगी साथ। तू रहने दे चाची, मैं डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ। चलो चाचा चलो, चाचा उठ उठ चल डॉक्टर के पास। कासू मैं भी चलूंगी ना, मुझे भी ले चल। मैं दिखा के लाता हूँ ना चाची। अरे बेटा ठीक हूँ मैं। उसे ऐसे ही करना चाहिए था। हबीब खान ने उसे कौन सी नेकनामी दी थी जिसे वो संभाल के रखती? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो कहती हूँ फौरन आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं। वह तुम बहुत खुद गर्ज हो, कभी दूसरों के बारे में सोच लिया करो। तुम ये क्यों नहीं सोचती जिस बच्चे को उसने खो दिया वो उसकी माँ है, और उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने हाथों से उस बच्चे को टैक्सी में छोड़ दिया। इस बात से तुम अंदाजा लगा सकती हो कि उसे हबीब खान से कितनी नफरत थी। वो सारी जिंदगी आग में जलती रहेगी। मैं उसे मजीद जला नहीं चाहता। नहीं बुआ नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। यार मेरी समझ में तो कुछ नहीं यार, इस बच्चे को घर लेके जाता हूँ तो चाचा समझेगा मैंने शादी कर ली और झूठ बोल रहा हूँ। अगर मैंने उसे ये बता दिया कि ये बच्चा मुझे टैक्सी में पड़ा मिला था तो मेरी जान निकाल देगा कि थाने क्यों नहीं बताया। तुम दोनों बताओ यार मैं क्या करूँ। यार पाल तो मैं लूंगा, मगर सच सच बता दे, खतरे की कोई बात तो नहीं है? खतरे वाली क्या बात होगी, वो खुद उसे छोड़ के गई है यार। यार कैसी माँ थी कासू? सुन अगर तू उसको देखेगा तो पहचान लेगा, मेरा मतलब है अगर कहीं नजर आ जाए तो। नहीं यार, उसने चेहरा नकाब में छुपाया। कमाल है यार, यानी कि अब टैक्सी चलाना भी खतरनाक धंधा हो गया है। हाँ और क्या, पिछले साल अखबार में पढ़ा था मुसाफिर टैक्सी में हीरोइन छोड़कर भाग गए थे, बेचारा टैक्सी वाला खामखा पकड़ा गया। और बात सुनो, तुम लोग मुसाफिर उतारते हुए टैक्सी को अच्छी तरह चेक कर लिया करो, हालात ठीक नहीं है। छोड़ो यार अब काम की बात करो, तू पालेगा से? हाँ पाल तो मैं लूंगा, मगर कासू तू तो जानता है बच्चा पालना आसान काम नहीं है। देखो फिके, खर्चे की फिक्र नहीं करो, खर्चा मैं दूंगा। यार बात खर्चे की नहीं है, बच्चे का क्या खर्चा होना है, बात यह है कि वो मोहल्ले वाले पूछेंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? कह देंगे पड़ा हुआ मिला था, उन लोगों का राज है क्या? उनके अपने घरों में जो चीची करते रहते हैं, हमने कभी उनसे पूछा कहां से आए? सबसे पहले ना वो तेरी चहेती कोई तशवीश होगी कि ये बच्चा आया किधर से है। ये बच्चा है कौन? लो पहला सवाल खुद ही कर लिया इसने। यार मेरा मतलब है कि हम इसे कहेंगे क्या? खबरदार किसी ने कुछ कहा तो। अब मेरा मतलब है अभी बहुत छोटा है वो। फीके तू 2 मिनट चुप रहकर हमारी बात नहीं सुन सकता? बोल, सुन सकता हूं। इसका मतलब ये है कि हम उसका नाम क्या रखेंगे, क्या कह के पुकारेंगे उसको? अच्छा तो यू कहो ना, यार कासू मुझे रानी नाम बहुत पसंद है।
कासू तू जल्दी से उसका नाम रख ले, नहीं तो ये पता नहीं क्या नाम रखा था। इसका नाम भी किसी मोहल्ले वाले ने रखा था, देखा इसका नाम क्या है, रख। यार हम इसे हमीद कहेंगे। ये बहुत मजेदार नाम है, बस ठीक है रख दिया नाम। यार कितना पुराना नाम रख दिया तुम लोगों ने। और जेदे तू हमीद भाई को नहीं जानता यार, कैसा जालिम आदमी था वो। अबे चुप चुप बस, चुप हो जा, चुप हो जा। ओ बच्चा रो रहा है, चल तू दूध बना ला, लाता हूँ दूध। हाँ जल्दी से ले कर यार, अब तू जरा। मैं काकी पता नहीं कहाँ रह गई है। जी वो ये पायल, ये तो आपने फेंक दी थी ना। ये पायल मेरे लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए थी। मेरी पायल तो बहुत मनहूस थी, बहुत मनहूस। ये भी मनहूस है, वो नहीं रहा तो। पागल, मुझे बता दिया होता तो शायद वो मेरी बात मान लेता। बेबी मुझ पर शक नहीं करना, मैं तो उसकी हर चीज से बहुत प्यार करती थी, आपसे भी और मुन्ने से भी। मुझे मुन्ना ला दे। कहाँ है मुन्ना? कहाँ से ला दो, मेरी तो हर चीज उसके पास रह गई। मेरा मुन्ना भी और मेरा चैन भी, जो चीज खुद छोड़ आई उसे वापस लेने की हिम्मत नहीं है मुझे। बीबी मैं लाऊंगी उसे, मुझे बताएं कहाँ है। मैं नहीं जानती क्यों किसकी टैक्सी थी। मैं उसको तलाश करूंगी, पता नहीं उसको पहचान पाऊंगी कि नहीं। अब तो वो बहुत बदल गया होगा, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। जी कुछ नहीं ये देखो मैं हमीद के लिए क्या लेके आया।